हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज सीआरएस गुप्ता। आप देख रहे हैं जी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये समझेंगे आज हम कि माल भाड़े पर जीएसटी के अंदर क्या ट्रीटमेंट है। साथ के साथ ये समझेंगे कि जो माल भाड़ा है वो किस किस टाइम एग्जेम्प्ट रहेगा, मतलब किस टाइम हमें माल भाड़े पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ इस पे क्या टैक्स की रेट लगेगी, अगर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज लगेगा, साथ ही रिवर्स चार्ज में किन किन को इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की। फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं जीएसटी से रिलेटेड वीडियो डालूं वो आप तक इजीली पहुंच सके। सब्सक्राइब कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा वीडियो के आगे, आपने यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है। साथ के साथ जो ये बेल आइकन है उस पे उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में डाल लूं आप तक इजीली पहुंच सके, आपके नोटिफिकेशन में आ जाए कि ये नेक्स्ट वीडियो डाल लिया आशीष ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो माल भाड़ा, इसको जो जीएसटी में कहा गया है वो कहा गया जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज कहते हैं, मतलब जीटीए की सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कब कब एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हम अपना फायदा सोचेंगे कि यार हमने कब टैक्स नहीं देना। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर जीटीए की सर्विसेज इन गुड्स से रिलेटेड है तो टैक्स नहीं देना। किन किन गुड्स से? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, और अगर सिंगल कैरेज में माल जा रहा है, सिंगल कैरेज में मेरा माल जा रहा है मान लीजिए 1500 रुपए तक तो नहीं देना। और मान लीजिए एक व्हीकल में तीन बंदों का जा रहा है और अगर एक बंदे का कंसाइनमेंट नोट 750 से कम है तो उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज में या उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 750 से ऊपर का है तो जीएसटी लगेगा, मतलब कि सिंगल व्हीकल में 1500 से ऊपर का जा रहा है तो जीएसटी लगेगा। और अगर सिंगल पर्सन के लिए 750 से ऊपर जा रहा है तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये देखो इन्होंने कहा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ए गुड्स कैरिज हो, नंबर वन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसमें जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन क्या दी है। इन्होंने कहा जो हार्वेस्टिंग करने से प्रोड्यूस निकले या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पालने से, ठीक है, और उसके अंदर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की गई, मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जो प्राइमरी मार्केट में इजिली सेल किया जा सकता है, वो इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में लेके आया। ठीक है, तो सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सिंगल कैरेज है अगर और फ्रेट 1500 से ज्यादा का नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सिंगल कंसाइनी का कंसाइनमेंट नोट 750 से ज्यादा का नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, दूध पे, नमक पे या फिर आटे पे, दालों पे या फिर चावल पे उससे रिलेटेड जीटीए की सर्विसेज है तो नहीं लगेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर पे नहीं लगेगा, न्यूज़पेपर या मैगजीन उन पे नहीं लगेगा, रिलीफ मटेरियल मिंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और नॉन मेड डिजास्टर्स इन पे नहीं लगेगा, इसी तरह डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे नहीं लगेगा। अगर आप ये देखना भी चाहते हो तो कान जाके देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि इशू किया गया था 28 जून 2017 को, उसकी एंट्री नंबर 21 में। ठीक है, अच्छा एंट्री नंबर 21A में, एंट्री नंबर 21A में भी इन्होंने एग्जेम्पशन दे रखी है। किनको दे रखी है? इन्होंने कहा है कि अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन कौन, इंडिविजुअल को दी जा रही है, एचएफ को दी जा रही है या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दी जा रही है तो भी हमारी एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, और एंट्री नंबर 21B कहता है कि अगर जीटीए की सर्विसेज दी जा रही है किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी के किसी डिपार्टमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसीज को, और
सामने वाले, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा। ये जीएसटी नंबर ले रखा तो कौन से वाला, सेक्शन 51 वाला ले रखा है, कि मतलब टीडीएस की लाइबिलिटी जहां पे अराइज होती थी, कि बस केवल उन्होंने तो टीडीएस काटने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए जीएसटी नंबर ले रखा है, अदरवाइज उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा जो नॉर्मल वाला होता है। तो उनको भी अगर जीटीए सर्विसेज दे रहे तो वो एग्जेम्प्ट है। ये देखिए ये लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या है, टीडीएस के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा अब बात करते हैं कि जीटीए की सर्विसेज पे टैक्स कितना लगेगा। फ्रेंड्स मान लीजिए मैं जीटीए, ठीक है, जीटीए हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्टर हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, कि या तो मैं अपने बिल में 12% जीएसटी लगा दूं, 12% जीएसटी लगा दूं, ठीक है, नॉर्मल चार्ज में, मतलब फॉरवर्ड चार्ज कहा जाएगा इसे, फॉरवर्ड चार्ज में 12% जीएसटी लगा दूं, या फिर मैं अपनी बिल्टी में कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, सामने वाला बंदा टैक्स भरेगा कितना, 5%, वो 5% जीएसटी भरेगा, उसे उसका इनपुट में मिल जाएगा, और अगर मैं अपनी बिल्टी में 12% टैक्स लगाऊंगा तो सामने वाले को उसका भी इनपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए तो इन्होंने कहा अगर जीटीए की सर्विस दी जाती है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 कहते हैं, डेटेड 28/6/2017 में, कि इन इन बंदों को अगर ये जीटीए की सर्विसेज लेते हैं तो इन्हें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा अगर जीटीए ने अपने बिल में 12% जीएसटी नहीं लगाया। अगर ट्रांसपोर्टर ने लगा दिया 12%, फिर तो रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आती। अगर ट्रांसपोर्टर ने 12% जीएसटी नहीं लगाया तब ये रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। तो कौन कौन, ये कहते हैं कि कोई भी बंदा जिसने जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कोई भी बंदा जिसने जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उन्हें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, उन्हें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा जीटीए की सर्विसेज में। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट, उन्हें भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जिसने जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखा, तो क्या उसे भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा? हाँ फ्रेंड्स, कह तो रहा है ये कि अगर कोई फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर उन्होंने जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं भी ले रखा तो भी उन्हें जीटीए की सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा टैक्स। और इसी वजह से सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बेशक उसकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख जो भी एप्लीकेबल है उससे एक्सीड करी भी हो या ना करी हो, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यूनियन टेरिटोरी है, अगर उन्होंने जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है नॉर्मल वे से, सेक्शन 51 की वजह से नहीं, नॉर्मल वे से, तो अगर वे भी जीटीए की सर्विसेज लेंगे तो क्या उन्हें भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये देखो तो यही कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी और लोकल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी विच है टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन सेक्शन 51, अदर देन सेक्शन 51 कि मतलब खाली टीडीएस की वजह से नहीं, किसी और वजह से भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी एक्ट में, तो उनके ऊपर भी आरसीएम एप्लीकेबल होएगा जीटीए की सर्विसेज के लिए। ये देखो कवर्ड इन आरसीएम। अच्छा फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये कोई बंदा है ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर है, मैं माल भेजने वाला हूं, आप माल खरीदने वाला हूं, मैं माल भेजने वाला हूं, आप माल खरीदने वाले हो, ये ट्रांसपोर्टर है। मैंने इस ट्रांसपोर्टर को कहा कि भाई एक काम कर, मेरे परिमाइसी से गुड्स लेके आपके परिमाइसी तक वो गुड्स पहुंचा दे। उसने कहा ठीक है,
अच्छा आप एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टर ने मेरे से पूछा कि इसका भाड़ा कौन देगा मुझे। मैं दूंगा यार, वो बोला ठीक है। तो डिपार्टमेंट क्या कहता है, जीएसटी एक्ट क्या कहता है कि जो उसे भाड़ा पे करने के लिए लाइबल है या भाड़ा पे करती है वो इज रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस माना जाएगा। मतलब कौन माना जाएगा इस केस में, आशीष गुप्ता ही माना जाएगा। और मान लीजिए मैंने उस ट्रांसपोर्टर को कह दिया भाई मेरे से नहीं आपसे ही ले लेगा, तो आप माने जाओगे, ठीक है, आप माने जाओगे रिसिपिएंट, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा अब मान लो मैंने ट्रांसपोर्टर से डील करी कि भाई उसके प्रीमाइसेज पे गुड्स पहुंचा दियो और भाड़ा उसी से ले लियो। अब ये रहता है दिल्ली में, ये रहता है दिल्ली में और आप रहते हो हरियाणा में, तो अब ये क्या लगाएगा, IGST या CGST या SGST? बेशक मैंने बोला था उसे कि उसके प्रीमाइसेज पे गुड्स पहुंचा दियो और भाड़ा उसी से ले लियो, तो इस केस में क्योंकि आप रिसीवर ऑफ सर्विस आप हो तो IGST लगाया जाएगा। अगर ये भाड़ा मैं पे करने के लिए लाइबल होता दिल्ली की दिल्ली में तो CGST SGST लगता, ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने इस ट्रांसपोर्टर को कहा कि भाई उसके प्रीमाइसेज पर गुड्स पहुंचाती हूँ, ठीक है, इसका भाड़ा मैं दूंगा, और मैंने आपको फोन करके कहा हेलो हेलो हाँ भाई मैं तेरे प्रीमाइसेज पे ना गुड्स भिजवा रहा हूँ लेकिन इसका जो भाड़ा है ना 50,000 रुपये मैं तेरे बिल में ऐड कर रहा हूँ। वो बोला ठीक है सर कोई नहीं कर देना, तो मैंने आपके बिल में ऐड कर दिया। तो जो अब इस भाड़े पे टैक्स कौन सा लगेगा, तो डिपार्टमेंट ने क्लियर किया कि भाई जो आप आइटम सप्लाई कर रहे हो, जो आप आइटम सप्लाई कर रहे हो बिल में, जो उस आइटम पे टैक्स की रेट है वो इस भाड़े पे भी टैक्स की रेट लग जाएगी। और मान लीजिए 3 आइटम है, किसी पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, और जो मैंने फ्रेट लगाया तो उस पे कौन सी टैक्स की रेट लगेगी, जो हायर रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी क्वेरी लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।